15 अगस्त 1947। सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा भारत आजाद हो रहा था, लेकिन उत्तर भारत की टिहरी रियासत में आजादी की सुबह आना अभी बाकी था। हालांकि टिहरी का इतिहास भी करवट लेने लगा था। टिहरी बदल रहा था और उसके भीतर लगभग 1100 सालों से बंधी चली आ रही बेड़ियों को तोड़ने की ललक अब जाग चुकी थी। ये ललक सिर्फ टिहरी शहर तक ही सीमित नहीं थी, हिमालय के बीहड़ इलाकों सकलाना से लेकर सुदूर कीर्तिनगर में कड़ाकोट तक आजादी की मशालें पहुंच चुकी थी। इधर भारत आजाद हो रहा था और उधर टिहरी में 14 साल का एक किशोर तिरंगा फहराकर 132 साल पुरानी राजशाही को चुनौती दे रहा था। 15 अगस्त 1947 के दिन टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज में तिरंगा फहराकर इस बालक ने इतिहास रच दिया था। इस घटना के 3 दिन बाद ही राजा की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन टिहरी की राजनीति के दरवाजे पर वो बालक अपनी मजबूत दस्तक दे चुका था। उस बालक का नाम था विद्यासागर नौटियाल। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विरासत। एक जनवरी 1948, टिहरी में जब विद्रोही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही थी तो 15 साल के विद्यासागर नौटियाल भी उसमें शामिल थे। वे इस अद्भुत जन क्रांति के दर्शक नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा बनकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ साथ चलते हुए राजशाही के तख्ता पलट को अंजाम दे रहे थे। टिहरी के इतिहास के सबसे चमकदार समय में उन्होंने जनता की ताकत का जलवा देखा भी और फैज अहमद फैज की इनकलाबी गजल जब तख्त गिराए जाएंगे जब ताज उछाले जाएंगे को टिहरी की सरजमी पर एक हकीकत के रूप में मंचित होते हुए भी देखा। जनता की ताकत का ऐसा साक्षात्कार किसी को भी इनकलाबी बना सकता था। विद्यासागर की दुबली पतली काया के भीतर तो बचपन में ही एक क्रांतिकारी ने प्रवेश कर लिया था। टिहरी की इस आग को लेकर जब वे 1952 में काशी विश्वविद्यालय पहुंचे तो इसकी तपिश BHU के भीतर ही नहीं बल्कि उसकी हदों से बाहर बनारस शहर तक महसूस की जाने लगी। जल्द ही नौजवान विद्यासागर एक छात्र नेता बन गए। आजादी के बाद का वो ऐसा कालखंड था जब सत्तारूढ़ दल के भीतर ही नहीं बल्कि प्रतिपक्ष की राजनीति में भी नायकों का दौर चल रहा था। भारतीय राजनीति में एक ही समय पक्ष और प्रतिपक्ष में एक से बढ़कर एक महान राजनेता एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। सबके पास देश के लिए अपना सपना था और वे सब अपने रंग की क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय तक विश्वविद्यालयों में अपने करियर के लिए चिंतित और चिड़चिड़े नौजवानों की नस्लें नहीं पहुंची थी। बदलाव के सपनों और जनसंघर्षों की सबसे बेहतरीन पौधशालाओं से विश्वविद्यालय लहलहा रहे थे। उनमें थार और सहारा के वैचारिक मरुस्थलों का युग आना अभी बाकी था। ये उन नौजवानों का भी समय था जो आजादी मिलने से उम्मीदों से भरे हुए थे और उनका भी जो कांग्रेस के रंग ढंग से संतुष्ट नहीं थे। वामपंथी और समाजवादी युवाओं के गुस्से से तब विश्वविद्यालय दहका करते थे। ये उन नाराज नौजवानों का भी दौर था जो बदलाव की बात कर रहे थे और ऐसे नौजवानों के पीछे चलने वाले छात्रों की तादाद भी कम नहीं थी। तब तक एंग्री यंग मैन वास्तविक जिंदगी से विदा होकर सेल्यूलॉइड के पर्दे पर नहीं गया था। उससे साक्षात्कार करने के लिए सिनेमा हॉल्स की अंधेरी दुनिया में नहीं जाना पड़ता था। वे सारे नाराज नौजवान देश के विश्वविद्यालयों के परिसरों में तकरीरें करते देखे जा सकते थे। वे अपने संघर्षों की पूंजी और भाषण कला से छात्र छात्राओं की जवान पीढ़ी को मुग्ध कर रहे थे। ऐसे ही समय में विद्यासागर बनारस आए। काया को छोड़कर उनमें नायक होने के सारे गुण थे। महज 14 साल की उम्र में जेल जाने का साहस, एक लेखक की संवेदनशीलता, विरोधियों की धज्जियां उड़ाने वाली दहाड़, शब्दों का अद्भुत खेल और बोलने का निराला अंदाज, इस सब से मिलकर बनता था विद्यासागर का वो जादू जिसमें बंदकर BHU के छात्रों ने उन्हें छात्र संघ का अध्यक्ष भी बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी ने पहाड़ से आए इस लड़के को महज 25 साल की उम्र में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया। वे आज भी BHU के इतिहास के विरले छात्र नेताओं की पांत में शामिल है। 1952 से 1959 तक विद्यासागर बनारस में रहे। इसी दौरान उनके भीतर के रचनाकार ने भी अंगड़ाई लेना शुरू किया। नामवर सिंह से लेकर कई नामी साहित्यकारों की संगत में विद्यासागर के भीतर ठांटे मार रहे सृजना के सागर ने अपने आप को खोज निकाला। इसी दौर में कल्पना में छपी भैंस का कट्टिया कहानी ने एक महान कहानीकार के आगमन की सूचना दे दी थी। साल 1959 में विद्यासागर PC जोशी के हुक्म
और पहाड़ से अपने लगाव के चलते टिहरी लौट आए। इस बार उन्हें गढ़वाल में कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें पहाड़ में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाकर भेजा गया। वे जब टिहरी पहुंचे तब इस शहर में कम्युनिस्ट नेता होना किसी कुफ्र से कम नहीं था, और ये उस जिले का हाल था जिसे आजाद करने के लिए एक जवान कम्युनिस्ट नागेंद्र सकलानी ने अपनी शहादत दे दी थी, और जिसे रियासती राज से मुक्ति दिलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई यातनाएं सही थी। विद्यासागर जब टिहरी आए तो शहर में कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को एक कमरा देने को राजी नहीं हुआ। आखिरकार एक भुतहा हवेली उन्हें मिली जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस खोला गया। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। टिहरी के शाहजहां चिंद्रू मियां ने अपनी बला की खूबसूरत बेगम के लिए एक भव्य हवेली बनवाई थी, लेकिन शादी के बाद अपनी हवेली का हर्ष वो ठीक से देख भी नहीं पाई कि उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। बेगम चली तो गई पर उनका दिल तो जैसे हवेली के भीतर ही रह गया। बात चल निकली कि बेगम की अतृप्त रूह हर रात इस हवेली में चहलकदमी करती है, दरवाजे खोलती बंद करती है और रात भर बेचैन होकर हवेली के हर कमरे में आती जाती है। पूरी टिहरी में ये खबर इस कदर फैल गई कि उस हवेली में कोई भी रहने को तैयार नहीं होता था। भूत के साथ रहने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा भला कौन तैयार होता। भूत के साथ भविष्य की पार्टी। दिन में बेचैन कम्युनिस्ट और रात को बेचैन रूहें, जहां कम्युनिस्टों को ऐसी वर्जित प्रजाति माना जाता हो, वहीं विद्यासागर को एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी खड़ी करनी थी। अकेले आदमी के लिए यह सफर कितना मुश्किल और चुनौतियों से भरा रहा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। ये रेगिस्तान में फूलों की खेती करने जैसा काम था, लेकिन विद्यासागर एक किसान भी थे। वे जानते थे कि मरुस्थल दिखने वाली टिहरी की जमीन में ही जनसंघर्षों का वो पानी भी छिपा है जिससे जनक्रांति का एक सैलाब पहले ही आ चुका है। संयोग से वो समय टिहरी के इतिहास का सबसे चमकदार समय था। ऐसे में पीठ पर पिट्ठू लादे विद्यासागर उस टिहरी को जगाने निकल पड़े जिसने इतिहास में लंबे राजवंशों में से एक को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया था। 2 साल में ही टिहरी की राजनीति का व्याकरण बदलने लगा। संघर्षों का सिलसिला शुरू हो गया। टीचर्स आंदोलन हो, बस मजदूरों का आंदोलन या PWD मजदूरों का आंदोलन, चिंद्रू मियां की भुतहा हवेली पर लहराने वाला लाल झंडा अब जुलूसों, जनसभाओं और नारों के साथ लहराने लगा था। ये टिहरी के इतिहास का वो अद्भुत समय था जब एक ओर जनकवि गुणानंद पथिक अपने गीतों के जरिए क्रांति की अलग जगा रहे थे, तो दूसरी ओर विद्यासागर नौटियाल की अगुवाई में लंगोटी पहने ग्रामीण नंगे पैरों के साथ टिहरी शहर में दस्तक देने लगे थे। 133 साल की गुलामी के बाद टिहरी की धरती जन आंदोलनों की धमक से हिल रही थी। टिहरी में रात अंधेरी छंट के रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी जैसे इनकलाबी नारे गूंज रहे थे, और ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। सन 60 और 70 के दशक की टिहरी को समझे बगैर विद्यासागर नौटियाल को नहीं समझा जा सकता। उस दौर की टिहरी की मनोदशा लंबी कैद भुगत कर खुली हवा में आए किसी कैदी जैसी थी। लोग अपने बूते पर जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोल रहे थे। एक असंभव आजादी का एहसास और खुली हवा में सांस लेने का रोमांच उनकी नसों में जैसे समा नहीं पा रहा था। वे कुलांचे भरना चाहते थे। 133 सालों से रुकी वो नदी रियासती बांध की गुलामी तोड़कर अपनी सतह से काफी ऊपर बह रही थी। टिहरी चेतना और आकांक्षाओं के नए आसमानों की खोज में था। उसके पीछे एक तख्ता पलट का गौरवशाली इतिहास तो था, लेकिन सामने कांग्रेस की एक औसत सरकार जो उसकी आकांक्षाओं के साथ तालमेल बैठाने में बहुत कामयाब नहीं हो पा रही थी। लोगों के एक हिस्से के पास कांग्रेस का रास्ता था, लेकिन जो इस रास्ते से असंतुष्ट थे वे अलग रास्ते की तलाश में थे। विद्यासागर जब ऐसे लोगों की तलाश में निकले तो नितांत अकेले थे। वे पीठ पर पिट्ठू लादे असली भारत की खोज में निकले थे। दरिद्रता का भारत, बीमारियों के आगे पस्त पड़ा भारत, सरकारी हुक्कामों से डरा हुआ भारत और संकटों से निजात पाने के लिए कुल देवताओं के आगे गिड़गिड़ाता हुआ भारत। ऐसे ही भारत के हाथों में वे लाल झंडा थमाने की जिद लिए चल पड़े, तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब भी नहीं जब उन्हें चीन हमले के दौरान देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही देश था जिसके लिए उन्होंने तिरंगा फहराया और इस जुर्म में जेल भी भुगती। 7वें और 8वें दशक में वे टिहरी में लाल प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक थे। सन 60 से लेकर 80 तक के समय पर उनके आंदोलनों और गर्जनाओं की जो अमिट छाप है उसने उन्हें दंत कथाओं के नायक जैसा रुतबा दिया।
इसी दौर में वे देवप्रयाग से विधायक भी चुने गए और तब उत्तर प्रदेश विधानसभा भी उनके तीखे हमलों और शब्दों की मारक जादूगरी की साक्षी बनी। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनके करिश्मे को जैसे ग्रहण लगा दिया। उनकी बेटी की शादी में मदद करने के लिए जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने ट्रक भेजकर टिहरी के इतिहास के उस अप्रतिम लड़ाकू नेता के प्रभामंडल को राहु की तरह ग्रस लिया। ये पता नहीं जेपी ग्रुप की साजिश थी या उनके करीबियों की मूर्खता, पर इस घटना के साथ उनका उतार शुरू हो गया। आज के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद मामूली बात लगती है, लेकिन उस जमाने में लोग अपने नायक पर इतनी सी भी तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस घटना से ये भी पता चलता है कि सार्वजनिक जीवन में निष्कलंक बने रहने के लिए हर समय तलवार की धार पर चलना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपने की है या आपके किसी समर्थक ने। भगवान राम भले ही त्रेता में रहे हों, पर वे सार्वजनिक जीवन की इन अग्नि परीक्षाओं को जानते थे। उन्हें वनवास का दंड भी लोकलाज की इसी परंपरा से जन्मा होगा। ये केवल विद्यासागर नौटियाल की लोकप्रियता की ही उतार का दौर नहीं था, बल्कि भाकपा के शरण का भी दौर था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वैचारिक धार कुंद पड़ने लगी थी और उसमें समझौता परस्ती का दौर शुरू हो चुका था। नवे दशक में भाकपा एक अस्थि पंजर में बदल चुकी थी। बर्फ सिंह रावत के जिला सचिव बनने तक कम्युनिस्ट पार्टी बर्फ की तरह ठंडी और निर्जीव होकर पानी पानी होने लगी थी। विचारों और संघर्षों की सघनता अब पिघल रही थी और वो पानी की तरह निराकार होने लगी थी। दुख की बात ये थी कि भाकपा के अवसान का ये दौर भी उन्हीं विद्यासागर को देखना पड़ा जिन्होंने इस पार्टी को बनाने में अपने जीवन के 35 अमूल्य साल लगा दिए। शिखर से पतन तक का गवाह उन्हें ही बनना पड़ा। प्रसाद की कामायनी में वर्णित हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह के पुराण पुरुष की तरह। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन के दौर में भी उनका वैचारिक तेज तब फीका पड़ता दिखा जब बांध विरोधियों ने विश्व हिंदू परिषद के साथ हाथ मिलाकर आंदोलन चलाया। विद्यासागर तब आंदोलन का हिस्सा भी बने रहे और उन्होंने बाकायदा अपने स्टैंड को सही भी ठहराया। लेकिन लगभग 45 साल के राजनीतिक जीवन में इन राजनीतिक विचलनों को यदि छोड़ दिया जाए तो वे आजादी के बाद टिहरी के इतिहास के सबसे जुझारू योद्धा, सार्वजनिक जीवन में असंदिग्ध ईमानदार और सर्वाधिक संवेदनशील नेता बने रहे। अपनी विचारधारा के लिए गरीबी और अभावों की जो पीड़ा उन्होंने झेली वह शायद ही किसी और ने झेली हो। वे 20वीं सदी के भारत में राजनीति और साहित्य का अद्भुत संगम थे। टिहरी यदि आज इस मुकाम पर पहुंचा है तो इसमें विद्यासागर उन आधा दर्जन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने भविष्य को मिटाकर टिहरी का भविष्य बनाया। गरीबी और भुखमरी के उस अंधेरे इतिहास में पिट्ठू लादे विद्यासागर नौटियाल लालटेन की तरह नजर आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। वे ऐसे सागर थे जिसके भीतर एक हिमालय रहता था, धरती के शुरुआती सालों वाले उस बेचैन तितलिक सागर की तरह जिसने आज के हिमालय को जन्म दिया। ऐसा सागर जिसमें अथाह गहराई भी थी और दैत्याकार जहाजों को झकझोरने वाली प्रलयंकारी लहरें भी, लहरों का संगीत भी और तटों से टकराने का जज्बा भी। उनका न होना ऐसे ही सागर के न होने से उपजा रीतापन है। उनकी आक्रामकता में वह टिहरी बोलता था जो सदियों के भूगर्भीय जन असंतोष से जमा होने से बेचैन रहा करता था। विरासत का यह एपिसोड विद्यासागर नौटियाल के जीवन पर लिखे स्वर्गीय राजेंद्र टोडरिया के लेख पर आधारित था। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बारहमासा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक पहुंचती रहे पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारहमासा।